हेलो गाइड्स, मैं नीना अग्रवाल आपके लिए लाई हूँ नुम्बा और चकला बनाने के बताने। तो सबसे पहले इसका बेस बनाएंगे। तो बेस तो मैं आपको नुम्बा का बेस बनाना सिखाई हूँ यूट्यूब मेरा वीडियो में, आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह गत्ता काट लेंगे, पतला या मोटा जैसे भी हो, चकुंटा काट के इसी को इसे अट्ठा लगा लेंगे फेविकोल। देखिए ये दोनों कटिंग के बीच में साइड में दोनों अलग अलग रखिएगा ताकि ना दोनों का ये होगा। फिर फेविकोल से चेप लेंगे, फिर इसको चारों तरफ लपेट लेंगे। तो आपको बेस बता दी हूँ बुट्टा से। अब इसका ना ये बुट्टी अब मेरे पास था, राखी थी बुट्टी की, तो मैंने इसको मोर का बुट्टी और ये हमने ग्रीटिंग्स कार्ड में या लिफाफा में बताई थी, लिफाफा एम्बुलॉग, उसमें आप देखिएगा मेरा यह मोर कैसे बना है पीकॉक। ये बुट्टी है, छोटी छोटी बुट्टी बनाया है मेरे पास था, मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बाजार में लटके मिलता है। अब मैं बताने जा रही हूँ, देखिए सबसे पहले इन दोनों को आगे चाहे ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए चाहे ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए। तो इन दोनों को ऐसे फेविकोल से चेप देंगे। देखिए इस तरह फेविकोल लगा देंगे चारों तरफ। बहुत सारा लगाएंगे ताकि उतरेगा नहीं। देखिए फिर यहाँ पीकॉक लगा देंगे इस तरह। थोड़ी देर सूखने देंगे ताकि सूख सके। जब तक सूखता है मैं राखी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। आगे इसका बेस बना लेंगे, बताई थी मैं कटिंग करना सब बताई हूँ। फिर मेरा राखी का ये छोटा वाला पीस इसमें घुसा देंगे दोनों रस्सी को। आप अपने घर में रस्सी बना सकते हैं, रस्सी ले लीजिए, डोरी आती है, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर सब आता है। आप अपना मैचिंग का डोरी ले लीजिएगा, उसमें इसमें आपके पास बुट्टा होगा तो बुट्टा लगा लीजिएगा बीच में और इसमें रिंग में डाल के ऐसे पोत दीजिएगा। देखिए देखिए इस तरह। अब इसमें फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगा दिए, अब इसमें एक पत्ती लगा देंगे, बुट्टी का पत्ती जो बाजार में अवेलेबल मिलता है। कोई भी स्टोर में जाएंगे आपको मिल जाएगा, जहाँ सुत्ता इसे मिलता है, लेसे से मिलता है, वहाँ मिल जाएगा आपको। देखिए अब उसके पास रेशम लगा देंगे पीछे में। देखिए देखिए ये सूखने के बाद आपको पूरा अच्छे से देखिएगा। अब इसको देखिए, अब इसमें लटकन लगा देंगे नीचे में सुत्ता से पोके। जब तक सूखता है तब तक मैं धीरे से आगे इसमें लटकन लगा देती हूँ ताकि ये गिल्ला सूख जाएगा। देखिए आगे चिपना
मैं भूल से आगे इसको चेपना था, इसको चेपना ही नहीं। देखिए सिलाई से दो स्टिक मारती हूँ, डोरी पे ले लीजिएगा। देखिए इस तरह सिलाई कर ली। देखिए अब इसके ऊपर डोरी लगाएंगे, जो आधा मीटर लेंगे उसमें डोरी को ऐसे करके गांठी मार के। देखिए मैंने सूता से ऑलरेडी गांठी मार दिया है। देखिए इस तरह से कर देंगे। देखिए अब इसमें बुट्टी लगा देंगे एक ठो फेविकोल से। वो सर बुट्टी लगाने से चलेगा लेकिन सुंदर दिखना चाहिए वो बुट्टी लगाएगा। देखिए इस तरह अच्छे से अट्ठे लगा देंगे। सूखने के बाद ही अच्छा खुलेगा नहीं। एक बार देखिए पत्ती लगा दिए हैं। ये सूखने के बाद ही देखिए कैसा लगा, अच्छा लगा। ये देखिए कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।